हम लोग अब बोट की सवारी के लिए जा रहे हैं और सब लोग बैठ रहे हैं धीरे धीरे। 300 रुपये में ये हमको घुमाएंगे बनारस के लगभग सारे घाट, और फिर लास्ट में ले जाके ये जो नया कॉरिडोर बना है, इस नए कॉरिडोर में ये हमको ले जाके रोकेंगे और फिर हम लोग भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। ये सब बाबू जी देख रहे हैं, ये सब पूरा गांव है, छोटा छोटा गांव है, जिसमें जो बनारस का शादी नहीं है यही सब बनता है। तो मोदी जी ने जो 4 फैक्ट्रियां लॉन्च किया है वो डायरेक्ट जो है कोई भी चाहे 10 साल का बच्चा भी हो वहाँ जाके परचेस कर सकता है, वो तो मार्केट में रिटेल जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट किसी भी मिल में जाके ले सकते हैं। राजा महाराजा बुला कहा गए लगे वही उसी हिसाब से हम लोग घुमाते हैं, जैसे कि आपको देखना हो तो हम लोग लगा देते हैं, देख के आइए 20-25 मिनट लगेगा, आ जाएंगे नाव में फिर आगे चलेंगे। बस भोग आरती के लिए बंद होता है 15 घंटे के लिए, 11:30 सब अपने आप जो गड़बड़ हो गया। नमस्कार, ये देखिए पंचकोशी यात्रा स्वयं महादेव और पार्वती माता ने यहाँ से स्टार्ट किया था, वो यात्रा आपका यहाँ आने पर समापन हो गया है। यहाँ केवट को लोग गुप्त दान करते हैं क्योंकि अपना आत्मा करे सारी ये कपड़े लाते हैं कि काशी यात्रा करेंगे तो काशी में केवट को दान देंगे, तो कोई केवट भी मांगता नहीं है, जो आपका आत्मा करे अपना अपना हाथ से यहाँ केवट को दान करिए, उसके बाद सीधा जो है मंदिर वाली खाते क्योंकि 84 घाट के ही घाट है जो स्वयं महादेव और पार्वती माता ने यात्रा के बाद दान दिया था। यहाँ केवट को अपने हाथ से दान करिए, दान करने के बाद सीधा विश्वनाथ टेम्पल में आप पूजा करिए। मेरा नंबर आप ले लीजिएगा, मेरे ऊपर भेज दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नंबर रहेगा कभी आपको जरूरत पड़ा। हस्बैंड वाइफ पति पत्नी और ऐसे दिखाइए, मैं तो लाख रुपया भी वो बेकार है, वो इनके हाथ से कमाई मुक्ति बनी। आप तो पूरा एकदम सूट कर दिए जबरदस्त, क्यों भैया पैसा मालिक को दे रहा है 300 रुपया पर हेड दिया, उसको भी लग रहा है कि हाँ हमें कुछ सर्विस मिला है। नहीं वाकई में इसको लगाने से क्या है, इसको लगाने से हम लोग का चलान होता है, मालिक लोग का 5,000 का चलान होता है। भाई दबे अगर ड्यूटी पे है रिवर पुलिस वाले तो मोटर बोट लेके आएंगे तो 300 आपका भी फाइन, दोनों लोग का नुकसान होता है। नहीं इससे फायदा क्या होता है? फायदा इससे यह है कि आप लगा लिए ना, और कहीं झटके में चक्कर खा गिर गए तो आपके हाथ में फंसा हुआ है, आपको नीचे नहीं जाने देगा, ऊपर ही रखा रहेगा तब तक वो कोई भी उठा देगा। यहाँ सारे नाव वाले एकदम एक्टिवेट रहते हैं, तो जैसा कि सर सर हेलो देखिए जल पुलिस बोल रहा है, किसको बोल रहा है, इधर आप यहाँ बैठिए मैडम, यहाँ बैठिए सामने, और इधर आइए आप लोग, और इधर आइए पानी भरवा देना है, नहीं वो बाद में हो आपसी। अच्छा हाँ सर क्या आइए भाई, इधर आइए, बच्चों को यहाँ भेजिए ना, वहाँ कहाँ बैठाइए, बच्चों को बीच में बैठाइए, हम देखते थे यहाँ यहाँ बैठाइए, आप आ जाइए, सही काम कर रहे हो तो दीदी यहाँ बैठेंगी, इधर से आएंगे धूप लग रहा है उधर से आएंगे ना, तो एसी नहीं चलेगा तो पैसा मत दीजिएगा, ये सेटल कर रहे हैं बढ़िया से, ध्यान दीजिए घाट के बारे में बताने जा रहे हैं, यही आपका मेन है, ये देखिए शाम को गंगा आती यहाँ होती है। वाराही घाट ये डोमा का मकान है और पीछे वाराही माता का मंदिर है, नमस्कार के लिए कलुआ डोम जो राजा हरिचंद को काशी में खरीद लिया था। अच्छा उसका ये मकान है। अच्छा यहाँ पे नया वाला है, पुराना वाला हरिचंद्र घाट पे। अच्छा उसको भी मोदी जी डेवलप करा रहे हैं, काम चल रहा है। अच्छा वो एक याद रहेगी ना कि कलुआ डोम का कौन मकान है। हाँ 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 ये होटल है यहाँ, यहाँ होटल भी है, ये तिपरा भैरवी घाट है, नमस्कार कर लीजिए, तिपरा भैरवी माता का मंदिर, त्रिपुर भैरवी माता, और इसी के जस्ट बगल में मीर घाट है, मीराबाई के नाम से बना हुआ, मीराबाई जो भजन कीर्तन करती थी कृष्ण भक्त,
हाँ वो मछली पकड़ने वाला मोटर है, मछली जब फंसता है तो डाउन होगा। अच्छा, पता लग जाता है। मछली पकड़ना यहाँ अलाउड है? अलाउड नहीं है, बस क्या है कि कहाँ जाएंगे, देखिए सामने मछली पकड़ेंगे। हाँ, चोरी से। अच्छा, आपका ये सामने पेड़ देख रहे हैं, उसके नीचे पशुपतिनाथ जी का मंदिर है, नमस्कार कर लीजिए। नेपाल के राजा ने अपनी रानी के नाम से बनवा के काशी में दान दिया था, और उसी के पीछे संस्कृत विद्यालय है जो बच्चों में फ्री में पढ़ाया जाता है। अच्छा, वेद का पढ़ाई होता है, फ्री है। ये नया वाला घाट है जिसको मोदी जी ने डेवलप किया था, है ना? ये देखिए, ये मणिकर्णिका घाट आ गया। यहाँ शंकर भगवान और पार्वती माता स्नान किए थे। अच्छा, स्नान करते समय शंकर भगवान के मस्तक का मणि तीसरा हार, पार्वती माता के कान का कुंडल इधर में गिर गया। हमारे लोग नाव वाले बहुत ढूंढे, नहीं मिला, तो पार्वती अम्मा ने गुस्से में श्राप दिया था कि जैसे मेरे पति का मणि खोने से मेरे पति जल रहे हैं, व्याकुल है, मणि खो गया और इनका कुंडल तो आग बबूला होने लगे। शंकर भगवान, पार्वती माता बोली जैसे मेरे पति का मणि खोने से मेरे पति जल रहे हैं, व्याकुल है, वैसे इधर भी हमेशा आग जलता रहेगा। सारे देवी देवता मिल के माता को मनाने लगे, तो माता बोली ठीक है, मेरा श्राप तो वापस नहीं होगा, मैं इधर में एक वरदान दे देती हूँ, काशी में जो मरेगा और कहीं का भी डेड बॉडी हो, काशी में आके जलेगा और सीधे मोक्ष को प्राप्त करेगा। इसीलिए फ्लाइट से भी बॉडी यहाँ जलाने लोग लाते हैं। यहीं से शंकर भगवान और पार्वती माता स्नान किए, स्नान करके नाव से बैठ के वो राजा हरिचंद से मिले, पंचकोसी यात्रा किए। सभी लोग नमस्कार कर लीजिएगा। ये कलकत्ता के एक व्यापारी था, उसकी माँ बोली काशी में मेरे नाम का मंदिर बनवा दो, मैं पूजा करा काशी में मर गई तो मंदिर बनवा दिया। बनवाने के बाद गया जब कलकत्ता, माँ से बोला माँ मैंने काशी में आपके नाम का मंदिर बनवा दिया, अब मैं आपके दूध के कर्म से रुकी हूँ। ऐसा बोलने से माँ को बहुत तकलीफ हुआ, तो माँ बोली बेटा ये मुस्लिम खुद बनाते हैं, खुद बेचते हैं, पहले ये सब नहीं था। घाट है, भारत के फर्स्ट राष्ट्रपति के नाम से फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी आए थे, उन्होंने दिया था। इसके बाद ये मान मंदिर घाट है, राजा मान सिंह का बनवाया हुआ है, जयपुर स्टेट राजस्थान। ये राजा मान सिंह द्वारा मंदिर बनवाया गया है। छत के ऊपर रखा हुआ है, राजा दशरथ के जो रथ का मॉडल है वही है, वो मॉडल बना के रखा गया है। पिंडदान वगैरह जो करते हैं जो काशी में ना, यही घाट है। मगहर
दशाश्वमेध घाट तो अलग है, वो अलग है, वो तो स्वच्छ पानी में नहाने गए थे। और छीटा इधर का काशी के दो घाट का देते हैं, एक राजा हरिचंद घाट जाएंगे तो पानी का छीटा लेंगे, दूसरा मणिकर्णिका घाट जाएंगे तब जाके पंचकोसी यात्रा पूरा होगा। पैर में चप्पल उपल मत पहनिएगा, पैर से चप्पल उतार लो सब लोग, पहनिएगा मम्मी चप्पल मत पहनिएगा, ये पंचकोसी यात्रा के बाद पहनिएगा आराम से। ये देखिए ये प्रयागराज का मंदिर है, इलाहाबाद की वैली संगम प्रयागराज। अच्छा नमस्कार कर लिए सभी लोग, नमस्कार। जो गरीब है लंगड़े लूले है इलाहाबाद में स्नान नहीं कर पाते, इधर स्नान करके ऊपर में दर्शन करते हैं, प्रयाग जैसा ही फल मिलता है। अच्छा और ये शीतला माता का मंदिर है, नमस्कार कर लीजिए। हमारे हिंदू में जब शादी होता है तो ऐसे ही बाजे गाजे एक साथ पति पत्नी पूजा करने आते हैं पूरे परिवार के साथ, उसके बाद ही कहीं घूमने फिरने जाते हैं। और ये अहिल्याबाई घाट है, रानी अहिल्याबाई होलकर का बनवाया हुआ। अच्छा ये मध्य प्रदेश एमपी, ये रानी अहिल्याबाई घाट है, ये 85 साड़ी का होलसेल फैक्ट्री है। अच्छा इस बच्चे को भेजेंगे तो पसंद करके जो रेंज में लेकर चलाएगा। अच्छा ये होलसेल है, चार फैक्ट्री मोदी जी ने लॉन्च किया है। अच्छा। गरीब हो अमीर हो कोई भी जाके वहाँ से ये देखिए ये पूजा करते हैं, दुल्हन दुल्हन आते हैं ना, है। देखिए दुल्हन नहीं आई है, है। लोग का मन्नत है इसलिए लोग पूजा कर रही है। अच्छा तो पुरानी है ये सब, हजारों साल पुरानी है। ये देखिए ये मुंशी घाट है, प्रेमचंद मुंशी जो हिंदी राइटर थे नागपुर के राजा ने उनके नाम से बनवा के काशी में नाम दिया था। यहाँ का चार नाम है आनंदवन काशी बनारस वाराणसी, यहाँ की तीन चीज फेमस है, बनारस का पान, बनारस की साड़ी और बनारस का गली। पान बनारस की साड़ी और बनारस का गली, गली जो गली गली ही मंदिर जाते थे, मोदी जी ने पूरा तोड़वा के कॉरिडोर बना दिया। बनारसी साड़ी देखिए, चार फैक्ट्री लॉन्च किया है मोदी जी ने, 10 साल का बच्चा भी हो तो वहाँ जाके पसंद करके ले सकता है, साड़ी ड्रेस मटेरियल यही सब बना के बेचते हैं मुस्लिम लोग। अभी तो मंदिर बंद होगा अपना, 1 बजे खुलेगा। अच्छा ये हमारा हो जाएगा ना, जब जाने के समय अगर मिल भी देखते हैं लोग तो स्टॉप कर देते, देख के भी लाते बोर्ड पे। अच्छा आगे जाते हैं हम लोग। अच्छा जैसे कि मार्केट में जाएंगे जो 1000 का लेंगे ना, हाँ। वही चीज यहाँ 600 का मिलेगा। अच्छा यहाँ टोटल हैंडमेड रहता है, पावर लूम में दम नहीं बनता है। ये बिहार के महाराजा दरभंगा का बनवाया हुआ है, दरभंगा घाट। और इसके बगल में देखिए राणा महल घाट है, महाराणा प्रताप जी का बनवाया हुआ, उदयपुर स्टेट। अच्छा ये महाराणा प्रताप जी का बनवाया हुआ है, राणा प्रताप महल। मंदिर है, हाँ सब मंदिर ही मंदिर है। ये 64 घाट है, 64 योगिनी माता का मंदिर है, ये होटल के पीछे, नमस्कार कर लीजिए। देखिए यहाँ से भी होलसेल में बनारस साड़ी, चार फैक्ट्रियाँ हैं, चारों आपको हम बता देते हैं, हम चारों जगह तो जा नहीं पाते हैं, बस एक इच्छा होता है लोगों को तो बस लगा देंगे। ये दिगपतिया घाट है, वेस्ट बंगाल के महाराजा का बनवाया हुआ है, दिगपतिया महाराज का। अच्छा ये सामने वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के महाराजा का बना के एक बंगाली साधु थे श्री श्री सीताराम दास ओंकारनाथ जी। अच्छा उनको दान में मिला हुआ है। अच्छा रीवा के सम्राट का कौन सा घाट है, रीवा सम्राट का कौन सा घाट है, रीवा सम्राट का कौन सा घाट, बैठे दिए सब बताएंगे। रीवा सम्राट के लिए आपको खुद आगे जाना पड़ेगा। अच्छा हमारा पैकेज इतना नहीं, बोल रहे हैं रीवा सम्राट के घाट तक जाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा। नहीं है तो रीवा सम्राट के यही है जो अपने राजा थे ना। हाँ भैया मैं क्या बता रहा हूँ, धर्मशाला। हाँ तो हम क्या आपको बोल रहे हैं कि जो हमारा पैकेज है हरिचंद टू मणिकर्णिका उसके लॉन्ग में उसके आगे है। ये देखिए पांडे घाट है, पांचों पांडवा का बनवाया हुआ महाभारत कहाँ, और ये बनारसी साड़ी का होलसेल भी ले भी है रिंकू सिल्क हाउस। अच्छा ये पांडवों द्वारा बनवाया हुआ घाट है, कौन वाला ये पांडे घाट। सभी को बोल रहे अभी नॉन एसी में चल रहे, आते समय एकदम आपको जरा सा सिकन नहीं होगा, एसी चालू हो जाएगा। नहीं तो नहीं कोई हमको बहुत आनंद आ रहा है, रिटर्निंग में आप देखिएगा ना हम जो बोलते हैं। ये बबुआ पांडे घाट है, कलकत्ता के पंडा का बनवाया हुआ बबुआ पांडे का।
ये धोबी लोग को मिल गया है यहाँ, कपड़े धोने का काम करते हैं धोबी लोग। अच्छा, ये कपड़े जाते हैं ना। हाँ हाँ, अभी भी होता है कपड़ा धुलाई होती है। ये जो है 10-11 बजे तक धोते हैं, उसके बाद सुखाते हैं। सीधा उतरने के लिए नहीं है, सीढ़ी है, सीढ़ी है, ये सुखाने के लिए, कपड़ा सुखाने के लिए। ये बगल में देखिए राजा घाट है, छत्रपति शिवाजी पुणे स्टेट महाराष्ट्र, शिवाजी महाराजा का बनवाया हुआ, छत्रपति शिवाजी महाराज का बनवाया हुआ घाट है ये राजा घाट, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। हम लोग रीवा से हैं, पास में ही है। क्या करेंगे, 50 रुपया आपका एक्स्ट्रा लग जाता है, अगर जाएंगे तो मालिक को पता लग जाएगा। अच्छा, ₹350 का पैकेज होता है ये नारद घाट बताएंगे। ठीक है, ये नारद घाट है, यहाँ नारद मुनि स्नान किए थे जब उनका बंदर का रूप हुआ था। अच्छा, हस्बैंड वाइफ भगत पति पत्नी एक साथ नहा लेंगे तो आपस में झगड़ा हो जाता है। अच्छा, यहाँ देखिए पति पत्नी एक साथ नहा लेते तो आपस में झगड़ा हो जाता है। नारद घाट है ये, इसीलिए खंडहर पड़ा हुआ है, ज्यादातर लोग नहाते नहीं है। ये मानसरोवर घाट है, जैसे कैलाश मानसरोवर का नाम है ना, वैसे मानसरोवर तालाब है। बैक साइड में बिल्डिंग। अच्छा, तालाब भी है। ये चेमेश्वर घाट है, चेमेश्वर जी आने पे कोई भी गलती अगर आपसे हो गई हो, मन से नमस्कार कर लेंगे, सब क्षमा हो जाता है। अगर आप बनारस आए हैं और ये चेमेश्वर घाट में आके माफी मांग लेते हैं, जाने अनजाने में जो आपसे गलती हो गई हो यहाँ आके, तो आपको तुरंत क्षमा मिल जाएगी। भगवान हमको भी क्षमा करें अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो, और आगे कोई गलती ना हो उसको करने से रोकने में हमारी हमें सद्बुद्धि दे। ये चौकी घाट है, कलकत्ता की महारानी रासमणी का बनवाया हुआ। अच्छा, ब्रिटिश टाइम में यहाँ चेक पोस्ट था। अच्छा, हाई बोट अनाज वगैरह यहाँ से इलाहाबाद जाता था। हाँ, तो टूल टैक्स देने के बाद ही बोट आगे जाता था। अच्छा, इसलिए इसका नाम चौकी घाट रखा। रानी रासमणी ने कहीं भी कुछ बनवाया तो अपना नाम नहीं दिया है। अच्छा, चलते हैं अभी पैकेज वाले घाट हरिचंद्र घाट में, वहाँ से अगर इन लोग को जाना होगा। हाँ हाँ, तो अगर कंफर्म करेंगे 50 रुपीस एक्स्ट्रा दे देंगे तो बहुत ज्यादा घाट घूम लेंगे। हम लोगों ने नाम दिया भी था तो हमारे साथ एक अलग चीज है भैया, हमारा जो काम ना बहुत ईमानदारी। देखिए, सबसे बड़ी चीज यही है, आप लोगों का व्यवहार ही हमारे लिए भगवान शिव का आशीर्वाद है। लोगों को जोड़ता है ना, हम लोग एक को घुमाएंगे 100 लोग जुड़ते हैं। सही बात है, काम अच्छा रहेगा आपके साथ, अभद्रता करेंगे, बदतमीजी करेंगे नहीं। और फिर क्या है ना, जैसे आप बहुत अच्छे से हमारा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ में, तो ऐसा लगता है भगवान शिव ही प्यार कर रहे हैं। ये देखिए, ये बाबा केदारनाथ का मंदिर है, नमस्कार कर लीजिए। आधे में पार्वती माता है, आधे में शिव जी है, अर्घनागेश्वर मंदिर है। उसके बगल में विजयनगरम घाट है, साउथ के महाराजा श्री कृष्णदेव राय का बनना है। केदार घाट केदारनाथ है को रिप्रेजेंट करता है। आधे में हरिचंद्र घाट जाएंगे, भैया लोग पूछिएगा कि 50 रुपीज एक्स्ट्रा लगेगा, क्या आप पूरा देखेंगे? ठीक है, लास्ट में रीवा घाट। ठीक है, एकदम लास्ट में हमारा पैकेज बना। हाँ, हरिश्चंद्र घाट। अच्छा, ये हरिश्चंद्र घाट आ गए, इस घाट के बारे में बताइए। अभी पहुँच रहे हैं, पूरा कथा बताएंगे। अच्छा, यहाँ हम पहुँचने वाले हैं, कथा बताएंगे और एसी चालू करके बताएंगे। जी, नॉन एसी खत्म करेंगे, एसी चालू करके बताएंगे। ये हरिश्चंद्र घाट है, विजयनगर घाट। साउथ के महाराजा श्री कृष्ण देव राय का बनवाया हुआ है। श्री कृष्ण देव राय, सुने उनके बारे में? आप देखिए, नॉन एसी खत्म हो गया, अब एसी चालू होगा, उसका भी आनंद लीजिए। नॉन एसी में नाटोर की महारानी का बनवाया, नाटोर स्टेट। ये देखिए, राजा हरिचंद्र घाट है, राजा हरिचंद यहीं पे नौकरी किए थे। जब उनके बेटे को विश्वामित्र जी सांप बन करके काट लिए, तो इसी जगह उनकी पत्नी तारामती लेके आई थी, बोली है स्वामी आपका बेटा मर गया, इसका अंतिम संस्कार कीजिए। तो राजा हरिचंद ने उनसे भी कर मांगा था, विपत्ति के कारण वो रोने लगी,
तो राजा हरिचंद बोले रोइये मत, अपने आंचल का पल्लू फाड़ कर उसका दो हिस्सा करिए, एक कफन बनाइए, दूसरा टैक्स दीजिए, तभी जाके अंतिम संस्कार पूरा होगा। जैसे ही वो अपने आंचल का पल्लू फाड़ कर देना चाहती है, शंकर भगवान पार्वती माता विश्वामित्र प्रकट हो जाते हैं। बोलते हे राजा हरिचंद, आपका परीक्षा लिया जा रहा था, आपका परीक्षा पूरा हुआ, आप अपना राजपाट वापस ले लीजिए। तो राजा हरिचंद बोले मैं सत्यवादी राजा हरिचंद हूँ, जो दान में दे दिया वापस नहीं लूंगा, देना है तो मुझे तीन वचन दीजिए। तीन वचन में उन्होंने मांगा, जैसा मेरा परीक्षा लिया गया, संसार में किसी भी प्राणी का किसी भी युग में परीक्षा मत लीजिएगा। दूसरा, मेरे पुत्र को जिंदा कीजिए। तीसरा, सभी लोग मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं, मैं और मेरे बीबी बच्चे यहाँ से जिंदा स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं। यहीं से राजा हरिचंद तारामती रोहित दास पुष्पक विमान आया, उसमें बैठ के जिंदा स्वर्ग है। यहाँ नमस्कार कर लीजिए, बोलिए महाराजा हरिचंद महाराज की जय। बाकी हम लोग केवट है, दो जगह का जल हम लोग देते हैं, एक हरिचंद्र घाट पे, दूसरा यात्रा खत्म होता है मणिघंटा घाट पे, तब जाके यात्रा पूरा होता है। ये देखिए, यहाँ से आप दीमा घाट जो बोले लास्ट घाट है 80 टू दीमा। ये जो पैकेज बनाते 84 घाट भी लोग जाते हैं, जो सामने पूल रखा है उसमें एक आदमी का 950 ऑनलाइन बुकिंग है, लेकिन उसमें नहलाना नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो बस राउंड करा के स्क्रीन पे लिख के आता है, जो डिटेल्स हम लोग बताते हैं वो स्क्रीन पे लिख के आता है, आपको पहुंचना पड़ेगा बस। यहाँ नमस्कार करिए, अब यहाँ से देखिए रिटर्न, अगर इतना आप वहाँ तक जाते हैं तो 50 रुपये एक्स्ट्रा आपको मालिक को पे करना पड़ेगा। तो आपको पंचकोसी यात्रा करना, अगर रीवा घाट देखना हो, बाइक में हमारी तो इच्छा है कि हम दिखा दें, लेकिन मालिक को पता लगेगा तो वो लोग चार्ज करते हैं पहले पर ही। तो 50 रुपये टोटल, 50 रुपये सीट करके वहाँ जाने आने, एक एक आदमी का वहाँ पूरा 80 घाट तक जाएगा। इसके बीच में आपको 16 घाट है, तो उसी में रीमा के महाराजा ने जो है बना के वहाँ दान दिया हुआ है। जितने भी आपको हम बताए ना, ये काशी में दान ही मिला हुआ है। ये कर्नाटक घाट है, मैसूर महाराजा ने बनवा के दान किया, हर स्टेट ये मोक्ष स्थल है। काशी में मर गए तो मोक्ष की प्राप्ति है, यहाँ ऐसे ऐसे लोग मरने के लिए आते हैं। यहाँ मुमुचू भवन बना है बहुत सा, वहाँ रहते हैं, 15 दिन तक रहने का है साधन, 15 दिन के बाद ये स्वस्थ रहे तो इनको किराया भाड़ा अपने पास से लेके इनके घर को क्या देंगे। अब 15 दिन के बीच में मर गए तो सस्ता पूरा जो है इनका घर। काशी आना ही भाग्य की बात है, मरना तो बहुत।